दोनों अच्छा लग रहा है तो हम बस क्या करते हैं 1 2 3 4 करते हैं, जिस पर 10 आया वो पहन लेना। नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी जी। स्वागत करते हैं हम आपका नए व्लॉग में। इस व्लॉग की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हम इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ये रही हमारी आईडी, वहाँ पर आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर हम डेली लाइव आते हैं और आप सभी से ढेरों बातचीत होती है। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं इस व्लॉग की। जी हमने जो इंट्रो दिया है उसमें आपको तो लग रहा होगा बड़ा एनर्जेटिक है, असल में जी ऊपर से एनर्जेटिक दिख रहे हैं, अंदर से है नहीं। मुझे और जिया दोनों को वायरल फीवर हो गया है। कल भर दिन बेड पर पड़े हुए थे, आज सुबह उठे हैं हम लोग और अभी बज चुके हैं 9:30। कुछ देर पहले ही उठे हैं, पापा ने कुछ दवाई दिया दोनों को। पापा को तो हम नहीं बताया कि हम भी बीमार पड़ गए हैं, क्योंकि परेशान हो जाएंगे, मम्मी है नहीं घर में, सिर्फ हम जिया और पापा हैं और घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है तो बहुत परेशान हो जाएंगे। तो हम तो जिया तो होम्योपैथी खा कर अपना धीरे धीरे ठीक कर रही है, हम तो सीधे एक बार में एलोपैथिक ले लिए दवा और तुरंत अपना डाउन कर लिए कुछ, लेकिन लग रहा है कि फीवर अब फिर चढ़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं यह ठीक हो जाए जल्दी से। अभी मैं आपको अपने घर का हालत दिखाता हूँ, जब मियाँ बीबी दोनों बीमार पड़ गए तब घर की क्या हालत होती है दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं घर की हालत, ये देखिए, और ये रही जिया, झंडू बाम लेके बैठी है बगल में। सिर दर्द होती रहता है, अपने सिर पे लगाते रहना है, चैन से नहीं रह सकती है, बाद में इसको ठीक कर लेंगे। घर कैसा लग रहा है, मैं देखते हैं और मेरा दिमाग खराब हो जाता है। घर कैसा लग रहा है, इसीलिए तो नाम रखे हैं सफाई देवी। अब देखिए सफाई देवी तो मानने वाली है नहीं कि इसको छोड़ दे, तो हम भी जाके हाथ बटा देते हैं और जल्दी से ये काम खत्म करें। A few moments later. कौन सा उतारना? रेड वाला ही। आप रुको ना, देखो कौन सा उतारना है, वो खुद पता नहीं। एक बार बोले याद रखो कि बैग में कपड़ा है। ये अभी दो उतारे हैं, जब भी उतारते हैं मुझे 10 बार डांट सुनने को मिलता है। रुक जाओ अभी आप मत उतारो, हम देख लेते हैं शायद इसी में मिल जाएगा। देखो जल्दी। ये खुल गया पिटारा, अब इस पिटारी से सिलेक्शन होगा कि कौन सा साड़ी पहनना है। क्या जा ये वाला। हमको दोनों अच्छा लग रहा है तो हम बस क्या करते हैं 1 2 3 4 करते हैं, जिस पर 10 आया वो पहन लेना, 8 9 10। चलो ये वाला पहन लो। चलो ठीक, अब जो है ये निकल गया है, अब ऊपर चढ़ा देगी वहाँ छज्जा पर। आपका काम है। बहुत बढ़िया, एक ठो शादी क्या कर ली, एक ठो कुली मिल गया है ना, लगेज वाला आदमी जी। अब हम इसको चढ़ाएंगे वहाँ ऊपर में रखेंगे और अब जाएंगे नहाने के लिए। कल फीवर था तो इसलिए नहा नहीं पाए कल, तो इसलिए अब जा रहे हैं नहाने। शरीर में क्या पता है भाई साहब, इतनी खुजली हो रही है शरीर में। तब कुली कितना पैसा लेते हैं आप? कितना पैसा लेते हैं? 50 रुपया सीधे लेंगे ऊपर चढ़ाने का। चलो अच्छा, 100 रुपया मेरा जो लिए थे वापस कर दीजिए पहले, उसमें से 50 काट लो। A few moments later. यहाँ पर खाना बन रहा है, लेकिन खाना ये हमारे लिए नहीं बन रहा है, मेरे फूफा जी और मेरा भाई आ रहा है तो उनके लिए बन रहा है। क्या है? पनीर। पनीर बना रहे हैं। बताइए, पनीर बन तो रहा है लेकिन भोग नहीं कर पाएंगे इसका आज। आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप जाओ ना नहाने के लिए, बिना परेशान किए नहा भी नहीं सकते हो। अगर हम नहाने चले जाएंगे तो वीडियो कौन बनाएगा तुम्हारा? बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, ये वीडियो ले ली है, अब जा रहे हैं नहाने। शरीर में जान नहीं है लेकिन जन्माष्टमी का उपवास रखना है, उसके बाद इंस्टाग्राम पर लाइव आना है, फिर लाइव में बकर बकर करने के बाद बीमार पड़ जाना है। कौन बीमार है? मुंह से तो बोल ही नहीं निकल रहा है, बीमार कौन है? वो तो आपके नहीं निकल। बस हो गया।
2 hours later. Feels like summertime. I keep falling for you like every night. Think of... जी अभी हम मंदिर आए हुए हैं और यहाँ पर पूजा करेंगे. यहाँ पर पूजा करके फिर अपने घर की तरफ निकलेंगे. और आज रात भी टूटेगा ना फास्ट? हाँ, 12 बजे के बाद. आज रात 12 बजे के बाद फास्ट टूटेगा और इंतजार है उस पल का. उस टाइम कुछ अच्छा खाने को मिलेगा. चलो ने यहाँ पर पूजा कर ली और पूजा करके अब यहाँ से निकल रहे हैं. बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको. मेरा 5-6 दिन से बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब था, लेकिन हम सोच रहे थे कैसे करेंगे, लेकिन करना तो है क्योंकि ये फास्ट छोड़ नहीं सकते. फिर आज जब हम मतलब फास्ट रखे तो हमको पता ही नहीं चला कैसे दिन बीत गया. अब तो 5 बजने को है और निर्जला उपवास था मेरा बिना पानी का. और 3-4 दिन से मुझे फीवर थे, बहुत ज्यादा फीवर थे. हम बेड से उठ नहीं पा रहे थे आज, लेकिन फिर भी हम फास्ट रखे और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और बिल्कुल तबीयत खराब मेरा नहीं लग रहा है. हाँ जी, ये अपने बारे में तो बता दी, इसको फीवर था. मेरे बारे में नहीं बताई कि हमको भी फीवर था. हाँ, और फीवर था. अभी भी थोड़ा बहुत फीवर है, लेकिन 99 मॉर्निंग में भी इनको था. हम टेस्ट किए ही नहीं. हम यदि टेस्ट करते तो हमको बोलते कि तुम करो ही मत. हम इसलिए बोले हमको करना ही नहीं है टेस्ट. Yeah, we should take it slow, just like day by day, like day by day. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. A few moments later. जी, जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई. जी, अब 12 बज चुके हैं और 12 बजने के बाद ये रहा हमारा प्रसाद. तो अब ये सारे प्रसाद हम खाएंगे और कल उपवास टूटेगा हमारा. तो मिलते हैं जी कल.